हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकेंड्रोन एलडीसीई क्लासेस। सरकेंड्रोन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में सिग्नल को ही कंटिन्यू करेंगे और कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे, सब्सिडियरी सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस क्लास में सब्सिडियरी सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सब्सिडियरी का मतलब होता है सहायक सिग्नल। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? सहायक सिग्नल। तो यह सिग्नल जो होता है हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, जब आपका मेन लाइन सिग्नल वगैरह वर्क नहीं करते हैं उस कंडीशन में जो है इन सिग्नलों का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सब्सिडियरी सिग्नल में पहला सिग्नल पढ़ेंगे हम लोग कॉलिंग ऑन। कॉलिंग ऑन कैसा सिग्नल है? तो सब्सिडियरी सिग्नल है। कॉलिंग ऑन जो सिग्नल होता है यह हमारा सब्सिडियरी सिग्नल है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल है? तो उस पर जो है ना सी मार्कर होता है। कॉलिंग ऑन जो सिग्नल होते हैं उसका जो पहचान जो होता है सी मार्कर द्वारा किया जाता है। कहता है कॉलिंग ऑन जो सिग्नल होता है वह रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल, रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। जो भी रिसीव करने वाले जो सिग्नल्स होते हैं उसके नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाया जाता है। तो वही लिखेंगे कि प्रोवाइडेड बिलो ये रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल। कहता है अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन इट मे बी प्रोवाइडेड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट LSS। कहता है कि अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत इसको किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है सिर्फ LSS को छोड़कर, लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर। ठीक है, कहता है यूज टू रिसीव ए ट्रेन ऑन टू एन ऑब्स्ट्रक्शन लाइन और वेन द स्टॉप सिग्नल फेल्स। कहता है कॉलिंग ऑन सिग्नल का यूज हम लोग कब करते हैं? तो कहता है कि अगर किसी ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पे गाड़ी को लेना हो उस कंडीशन में, या दूसरा जब स्टॉप सिग्नल फेल कर गया हो उस स्थिति में, दोनों परिस्थितियों में हम लोग कॉलिंग ऑन सिग्नल का यूज करते हैं। कहता है कि सिग्नल टेकन ऑफ ओनली व्हेन द ट्रेन हैज कम टू द स्टॉप एट द फुट ऑफ द सिग्नल। कहता है कि जब गाड़ी लेकर लोको पायलट सिग्नल के फुट के पास, सिग्नल के पैर के पास पहुंचते हैं तब जो है इस सिग्नल को ऑफ किया जाता है। अजय ही जब ऑफ होगा तो लोको पायलट जो है ट्रेन को लेकर जो है जब सिग्नल कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ कर दिया जाएगा SM द्वारा, तब जो लोको पायलट जो है उस ट्रेन को लेकर चलते हैं धीरे धीरे और तैयार रहते हैं कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो गाड़ी को रोका जाए। वही है कि व्हेन टेकन ऑफ लोको पायलट शैल पास द सिग्नल एंड रन विद रिस्ट्रिक्टेड स्पीड सो एज टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। यही हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल है। इसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉलिंग ऑन कैसा सिग्नल है? तो कॉलिंग ऑन सब्सिडियरी सिग्नल है। कॉलिंग ऑन को पहचानते कैसे हैं? तो सी मार्कर द्वारा पहचानते हैं। कॉलिंग ऑन को कहाँ लगाया जाता है? तो रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है इसको किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है सिर्फ LSS को छोड़कर, लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़ के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कहता है कॉलिंग ऑन सिग्नल का यूज कब करेंगे? तो कि जब गाड़ी को ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर लेना हो, या दूसरा जब सिग्नल हमारा फेल कर गया हो, जब सिग्नल हमारा क्या कर गया हो, व्हेन द स्टॉप सिग्नल हैज फेल्ड, जब स्टॉप सिग्नल फेल कर गया हो उस कंडीशन में हम कॉलिंग ऑन सिग्नल को यूज करते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ कब किया जाएगा? जब लोको पायलट ट्रेन को लेकर उस स्टॉप सिग्नल के नीचे उसके फुट के पास पहुंचेंगे उस कंडीशन में SM द्वारा जो है कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ किया जाता है। यही कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ किया जाएगा तो लोको पायलट जो है रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से जो है उस सिग्नल को ऑन में जो है पार करेंगे और जो है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के आने पे, अवरोध के आने पर जो शॉर्ट नोटिस में, कम समय में जो है गाड़ी को रुकने के लिए तैयार रहेंगे। इसका यह मतलब होता है। ठीक है, तो ये हमारा सब्सिडियरी सिग्नल है। आइए शंट सिग्नल के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। अब आइए देख लेते हैं सब्सिडियरी सिग्नल जो कॉलिंग ऑन था उसका एस्पेक्ट क्या होता है। कहता है कि इसका ऑन एस्पेक्ट में जो है कोई लाइट नहीं जलता है। किसमें? कॉलिंग ऑन सिग्नल में ऑन एस्पेक्ट में कोई लाइट नहीं जलता है। और उस स्थिति में इसका इंडिकेशन होता है लोको पायलट जो स्टॉप सिग्नल का जो एस्पेक्ट है उसी को फॉलो करता है, उसी को मानता है। लेकिन कॉलिंग ऑन सिग्नल अगर ऑफ एस्पेक्ट में है तो उसमें क्या होता है, एक मिनिएचर येलो लाइट, मतलब एक छोटा सा पीला लाइट जो है, एक छोटा सा पीला जो है रोशनी जो है जलता है। किसमें?
कॉलिंग ऑन सिग्नल में कब, जब वो ऑफ एस्पेक्ट में रहता है तब। इसका मतलब होता है कि स्टॉप एंड ड्रॉ अहेड विद कॉशन एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। इसका जो इंडिकेशन होता है इसमें लोको पायलट जो है ट्रेन को लेकर चलते हैं और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए शॉर्ट नोटिस में जो है रुकने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है ऑफ एस्पेक्ट में किस तरह का लाइट शो करता है, येलो कलर, मिनिएचर येलो। तो ध्यान में रखिएगा इसमें मिनिएचर येलो आंसर होगा, बहुत ही छोटा सा पीला एक बत्ती जलता है कॉलिंग ऑन सिग्नल में। कब, जब वो ऑफ एस्पेक्ट में रहेगा तब। अब ये जो है थोड़ा शंट सिग्नल के बारे में देख लेते हैं। कहता है शंट सिग्नल भी जो है हमारा सब्सिडियरी सिग्नल है। शंट सिग्नल हमारा क्या है, सब्सिडियरी सिग्नल है। और यह जो शंट मूवमेंट को मतलब शंटिंग के काम में जो है ना इस शंट सिग्नल का यूज किया जाता है, ठीक है। कहता है कि शंट सिग्नल जो होता है पोस्ट बाय इटसेल्फ। शंट सिग्नल जो है वह उसका अपना एक सिग्नल होता है, उसका अपना एक पोस्ट होता है, या किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है एक्सेप्ट एफएसएस। कहता है कि शंट जो सिग्नल होता है उसका अपना पोस्ट होता है, अपना खंबा होता है, या किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है सिर्फ फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। शंट सिग्नल हमारा कैसा सिग्नल है, तो सब्सिडियरी सिग्नल है। शंट सिग्नल जो है शंट मूवमेंट में जो है काम आता है। शंट सिग्नल अपना खुद का उसका पोस्ट होता है, खुद का अपना खंबा होता है, या किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है सिर्फ फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर, ध्यान में रखिएगा। कहता है कि जब शंट सिग्नल जब ये वर्क करता है तो उसमें एक वाइट एक उजला जो है एरो इंडिकेट करता है। एक एरो क्या करता है, इंडिकेट करता है किसके लिए, फॉर विच द शंट सिग्नल प्रोवाइडेड। कहता है व्हाइट एरो इंडिकेट्स फॉर विच लाइन द शंट सिग्नल प्रोवाइड, मतलब किस लाइन के लिए शंट सिग्नल प्रोवाइड कराया गया है उसको बताने के लिए एक उजले रंग का, एक उजले कलर का जो है तीर जो है उसको बताता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। इसमें भी कुछ एस्पेक्ट होते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। अब ये देखते हैं इसके एस्पेक्ट को देख लेते हैं। कहता है शंट सिग्नल जब एक सेपरेट पोस्ट के रूप में हो, ऑन ए सेपरेट पोस्ट, जब शंट सिग्नल खुद अपने पोस्ट के रूप में हो, अकेला हो, तो उसका क्या एस्पेक्ट होता है। अगर ऑन एस्पेक्ट है इसका मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली पोजिशन टू वाइट लाइट्स। कहता है कि जब शंट सिग्नल खुद के पोस्ट में होता है, ऑन एस्पेक्ट में होता है, तो दो उजला लाइट, जैसे मान ली दो उजला लाइट हॉरिजॉन्टली जलता रहता है। हॉरिजॉन्टली मतलब होता है इस तरह से, कहने का मतलब है क्षैतिज आकार में दो जो है उजला लाइट जलता रहता है। अगर मान लीजिए दो उजला लाइट है तो इस तरह से जलता रहेगा। अगर तो इसका एस्पेक्ट इंडिकेशन क्या होता है, तो स्टॉप डेड। कहता है ऑफ एस्पेक्ट में जब होगा आपका सेपरेट पोस्ट पर अगर सन सिग्नल है तो इंक्लाइंड और ऑब्लिक पोजिशन ऑफ टू वाइट लाइट अगर इस तरह से जलने लगे, मतलब वो जो है ऑब्लिक टाइप में जलने लगता है या इंक्लाइंड होगा, झुक जाएगा, ठीक है, और इस तरह से जलता है। किस कंडीशन में, ऑफ एस्पेक्ट में, कौन सेंट सिग्नल। इसका मतलब होता है प्रोसीड विद कॉशन फॉर सेंटिंग। इसका मतलब है कि सेंटिंग के लिए जो है ना आप धीरे से जो कॉशन में है बढ़ते रहिए आप। कहता है कि बिलो ए स्टॉप सिग्नल, अगर किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाएगा तो ऑन एस्पेक्ट में जो है, ऑन एस्पेक्ट में जो है कोई लाइट नहीं जलता रहता है। और इस कंडीशन में जो इसका इंडिकेशन होता है, जो स्टॉप सिग्नल का जो एस्पेक्ट होगा उसी को लोको पायलट मानता है। अगर ऑफ एस्पेक्ट में आपका जो है शंट सिग्नल है और किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा हुआ है, इसमें क्या होगा, आपको सेम उसी तरह से जो है इस तरह से दो वाइट लाइट जलते रहेंगे। इसका मतलब है कि लोको पायलट जो है ये प्रोसीड विद कॉशन फॉर सेंटिंग, वो कॉशन के साथ जो है सेंटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यही इसका इंडिकेशन है, इंडिकेशन है और एस्पेक्ट है। एक बार फिर से रिमाइंड कर दे, शंट सिग्नल का अगर वो ऑन ए सेपरेट पोस्ट, अगर एक सेपरेट पोस्ट पे अगर शंट सिग्नल है तो उसके ऑन जो एस्पेक्ट होगा इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में दो वाइट लाइट इस तरह से जलते रहेंगे एक ही लाइन पे, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या होता है, स्टॉप डेड। कहता है कि एक सेपरेट पोस्ट पे अगर शंट सिग्नल ऑफ एस्पेक्ट में, इसका मतलब होता है कि इसमें तिरछा टाइप का जो है दो वाइट लाइट जलता रहेगा। इस कंडीशन में इसका इंडिकेशन क्या बनता है कि कॉशन के साथ जो है ना गाड़ी को लेकर बढ़ना है सेंटिंग के लिए। अगर वहीं अगर शंट सिग्नल किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगेगा, ऑन एस्पेक्ट में होगा, तो उसमें कोई लाइट नहीं जलता है, ठीक है।
और इस स्थिति में जो है लोकोपायलट स्टॉप सिग्नल के एस्पेक्ट को मानता है। अगर वहीं किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे सन सिग्नल लगा हुआ है और ऑफ एस्पेक्ट में है, तो ऑफ एस्पेक्ट में तो उसमें क्या होता है, दो तिरछा व्हाइट लाइट जलता है, और इस कंडीशन में क्या होगा, वह लोकोपायलट जो है गाड़ी को कौशन के साथ लेके जाएंगे सेंटरिंग के लिए। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन बनते भी है कि सर्न सिग्नल कैसा सिग्नल है, सर्न सिग्नल को किस सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है, सर्न सिग्नल जो है ऑन एस्पेक्ट में कितना लाइट शो करता है, सर्न सिग्नल जो है ऑफ एस्पेक्ट में कितना लाइट शो करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। तो सर्कंड्रॉन एल डी सी क्लासेस में आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।